थोड़ा सा पीछे होना पड़ा लो, आपने पकड़ो सीख है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। जय हिंद बोस। जय हिंद बोस। हरियाणा बोलेगा जय हिंद बोस। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है और उस जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ नेताजी सुभाष हमारी धर्मशाला है, इसमें कार्यक्रम है। यहाँ हमारे माता जी के जो स्वतंत्रता से हम परिवार से हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम हमारे द्वारा किया जाएगा। और देखिए साथियों, आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, जैसे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, एक नेताजी की सुभाष चंद्र बोस जो सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है, नेताजी का स्टैचू लगा के ये उनको 125वीं जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि है। ऐसे नेताजी को हम सही जो हमारे 125वीं जयंती उनकी जो हम यहाँ मना रहे हैं, हम सभी लोग उनको नमन करने का काम करेंगे। हमारी माता जी भी आ सकती है कार्यक्रम में, उनको हम सम्मानित करने का जयंती पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसको पहली सरकार ने भुला रखा था, आज उस योद्धा को असली मान सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया गेट पर जो स्टेचू लगाया गया वे उसके हकदार बहुत पहले से थे। आज हमारी माता जी का भी कहना यही है, जो हमारे माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो यहाँ पर अपने स्टेट के स्वतंत्रता सेनानी उनकी विधवाओं को उनके आश्रितों को याद किया गया, बहुत ही सराहनीय कदम है। हम इनका मान सम्मान करते हैं और नेताजी ने अपनी देश की आज़ादी के लिए पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जिनको इस सरकार ने बिल्कुल भुला रखा था। आज इस कैसे स्टैचू लगाकर नेताजी का इंडिया गेट पर तो प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही यादगार स्मरणीय काम किया है, उसके लिए पूरा देश उसका आभारी है।